अल्पसंख्यक मामलात वक्फ और जन अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने बुधवार को जैसलमेर जिले के अंधड़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और खेतों में किसानों के बीच पहुंचकर अंधड़ से उत्पन्न हालातों के बारे में जानकारी ली और किसानों की व्यथा से रूबरू हुए। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने जैसलमेर जिले के कृषि प्रधान क्षेत्र नाचना में विभिन्न क्षेत्रों में किसानों से चर्चा की और किसानों को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से और किसानों को आश्वासन दिया। किसानों ने मंत्री को बताया कि तूफानी धूल भरी आंधी की वजह से खेतों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है और इससे किसान त्रस्त हो गए हैं। किसानों ने कहा है कि अंधड़ ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है और उपज को बर्बाद कर दिया, जिससे कि किसान परेशान है और उन्हें उचित मुआवजा प्रदान कर राहत दी जानी चाहिए। इस पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों को हुए नुकसान और पीड़ाओं से अच्छी तरह से वाकिफ है और राहत देने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें किसानों ने बताया कि चना, इसबगोल, जीरा आदि को भारी नुकसान हुआ है और इससे किसानों की स्थिति खराब हो गई है। इस दौरान पोखरण के उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई ने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के चलते कृषि पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर तय समय में विशेष गिरदावरी का काम करवाया जाएगा और रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी। पंचायत समिति नाचुना के प्रधान अर्जुन राम गर्ग ने मंत्री से किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का आग्रह किया है और बताया है कि पहले नहरों में पानी बंदी और इसके साथ प्राकृतिक आपदा की वजह से किसान परेशान हैं। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने उपस्थित लोगों से कहा कि उन्हें जब तूफान से जिले में नुकसान की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से मुलाकात कर विशेष गिरदावरी के आदेश करवाए। उन्होंने कहा कि वो खुद भी किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने ही आए हैं और राजस्व मंत्री भी गुरुवार को तूफानी अंधड़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री से किसानों को राहत के बारे में व्यापक चर्चा की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जैसलमेर से गणपत दैया की रिपोर्ट।